व्हाट्स अप ड्राइव थ्रिल्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल्स। दोस्तों मेरे साथ जो आज दो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये है एन वैगन और होंडा की एन वैगन है, जिसका जो लेटेस्ट जनरेशन आई है उसका हम लोगों ने कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ी है बेस वेरिएंट जिसको एल कहते हैं, मेरे राइट साइड पे खड़ी है टॉप ऑफ द लाइन कस्टम फेसलिफ्ट वेरिएंट, जिसके फ्रंट लुक से मैं स्टार्ट करूँगा, बैक हिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊँगा। मैंने सिर्फ कंपैरिजन वीडियो बनानी है, ज़्यादा कुछ चवलियाँ नहीं मारेंगे इंशाल्लाह, और स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट पे आप देख सकते हैं कस्टम में आप लोगों को लाइट चेंज मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, इसकी शेप भी चेंज है और इसके अंदर से लाइट भी चेंज है। इसमें आप लोगों को LED लाइट मिलती हैं, इसमें सिंपल आप लोगों को हैलोजन लैंप्स मिलते हैं, इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये सिंपल इंडिकेटर्स के साथ आप लोगों को मिलती है। बात कर लेते हैं ग्रिल के डिफरेंस की, इसमें आप लोगों को क्रोम ग्रिल मिलती है, इसमें आप लोगों को सिंपल ग्रिल मिलती है। नीचे बम्पर की बात कर लेते हैं तो बम्पर भी चेंज है, बम्पर दोनों के एक दूसरे को फिट नहीं होते, उसकी रीज़न ये है कि इसकी हेडलैम्प्स का साइज़ जो है और शेप जो है वो डिफरेंट है, और इसका नीचे से सर्कुलर है, इसका नीचे से स्क्वायर है। और बम्पर में आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं विद पियानो ब्लैक की मटीरियल के साथ और क्रोम की स्ट्रिप्स के साथ, इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ मटीरियल वगैरह नहीं मिलता। अंदर आ जाते हैं तो आप लोगों को मेजर डिफरेंस जो साइड में मिलता है दोस्तों, आप लोगों को जो इसकी है कस्टम की, उसमें आपको ड्यूल टोन आपको रिम मिल जाते हैं और सिंपल वाली में आपको व्हील कप्स मिलते हैं, साइज़ टायर का सेम मिलता है आप लोगों को। और आप लोगों को जो मेजर एक और डिफरेंस मिलता है वो इसके फेंडर में मिलता है, कस्टम में आप लोगों को इंडिकेटिंग लाइट नहीं मिलती, सिंपल एल वेरिएंट में आप लोगों को इंडिकेटिंग लाइट मिल जाती है और इसकी कस्टम की इंडिकेटिंग लाइट आपकी यहाँ पर साइड मिरर्स में आ जाती है। और पीछे आ जाते हैं दोस्तों तो आपको कस्टम में क्रोम हैंडल मिल जाते हैं और इसमें आपको बॉडी कलर हैंडल मिल जाते हैं। वेदर स्ट्रिप की बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को सिंपल मैट ब्लैक में मिल जाती है और यहाँ पे आप लोगों को क्रोम में मिलती है। नीचे आ जाते हैं तो दोस्तों नीचे आप लोगों को जो कस्टम है उसमें आप लोगों को बॉडी किट मिलती है कंपनी फिटेड, इसमें आप लोगों को बॉडी किट नहीं मिलती। ये थे साइड के डिफरेंसेस, अब चलते हैं इसके बैक के डिफरेंसेस की तरफ। बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं दोस्तों तो बैक में भी मेजर डिफरेंसेस आप लोगों को मिलते हैं। कस्टम में आप लोगों को देख सकते हैं हाई माउंटेड स्पॉइलर मिल जाता है जिसमें हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, इसमें आप लोगों को हाई माउंटेड ब्रेक लैंप जो आपके डिग्गी के डोर में मिल जाता है और एक्सटर्नल ही मिलता है। इसमें आप लोगों को कस्टम में देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सिंपल एल बेस वेरिएंट में आप लोगों को पोल एंटीना मिलता है। साइड की दूसरी बात कर लेते हैं जो मेजर डिफरेंसेस है वो लाइट का है। इसमें आप देख सकते हैं आपको सिल्वर और क्रोम की लाइट मिलती है, LED लाइट्स मिलती हैं, इसमें भी LEDs यूज़ की गई हैं नीचे, लेकिन इसमें आप लोगों को देख सकते हैं सिंपल बल्ब भी यूज़ किया गया और रेड के साथ मिलती है, जो रेड कवर आप लोगों को मिलता है। बैजिंग की बात कर लेते हैं तो बैजिंग भी मेजर डिफरेंसेस के साथ आती है, इसमें आपको सिंपल N1 की बैजिंग मिलती है और ये टर्बो को चवल मारी हुई टर्बो की तरफ मत जाइएगा, और ये कस्टम की बैजिंग यहाँ पर आप लोगों को इसके साथ मिल जाती है। होंडा के लोगों के साथ आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को ये क्रोम की स्ट्रिप मिलती है जिसको पट्टी कहते हैं, इसमें आप लोगों को बॉडी कलर पट्टी मिल जाती है। नीचे बम्पर की बात कर लेते हैं आप लोगों को, बम्पर में जो है जो आपके सेंसर्स हैं वो तो आप लोगों को सेम ही मिलते हैं, लेकिन बम्पर की शेप डिफरेंट हो जाती है। इसमें आप लोगों को ज़रा कट्स और एजेस दे दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को सिंपल रखा गया है। जो आप लोगों की जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी आप लोगों को दोनों सेम मिल जाते हैं, लेकिन प्लेसिंग थोड़ी सी आगे पीछे कर दी गई क्योंकि बम्पर का साइज़ चेंज है। तो बैक प्रोफाइल में ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, अब इसके जो चलते हैं हम लोग इसके इंटीरियर के डिफरेंसेस के बारे में। इंटीरियर की बात करते हैं दोस्तों तो इंटीरियर में दोनों गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस मिलता है, एन वैगन कस्टम में आपको टोटल ब्लैक इंटीरियर मिलता है और इसमें आप लोगों को टोटल छत भी इवन के ब्लैक मिलती है, फैब्रिक भी इवन के आप लोगों को ब्लैक मिलता है, टोटल काम जो है ना ब्लैक का किया गया। सबसे पहले डिफरेंसेस हम लोग इसमें डोर से देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों को ये फैब्रिक यूज़ किया गया, यहाँ पर आप लोगों को फैब्रिक मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को क्रोम के हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक पियानो ग्रे कलर की एक स्ट्रिप मिल जाती है। और कंपैरिजन में बात कर लेते हैं जो बेस वेरिएंट है उसमें आप लोगों को ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है, जिसको बेज इंटीरियर भी कहते हैं दोस्तों। इसकी छत का कलर भी डिफरेंट होता है और इसमें दो तरह के कलर आते हैं, और इसमें आप लोगों को एज सच कोई फैब्रिक इसके डोर पे नहीं मिलता, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक मिलता है, फैब्रिक नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सिल्वर के हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई पियानो ग्रे कलर का आप लोगों को मटेरियल नहीं मिलता। एन वैगन कस्टम के इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो इसमें क्रोम का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, जिसमें आप लोगों को सर्कुलर जो है आपके विंड्स के साथ भी मिलता है, स्क्वायर विंड्स के साथ भी मिलता है, आपके गियर लीवर के साथ भी आपको क्रोम मिलता है, और इसमें पियानो ग्रे कलर का एक मटेरियल यूज़ किया गया जो कि इसको प्रीमियम टच देता है, जो कि इसके स्टेयरिंग व्हील पे भी मिलता है आप लोगों को दोस्तों, और इसके आप लोगों के AC के वेंट्स पे भी मिलता है जो कि पैसेंजर साइड के है, बहुत ज़बरदस्त। एल वेरिएंट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो एल वेरिएंट में आपको क्रोम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना आपके AC के वेंट्स में मिलेगा किसी जगह पे, ना कोई ऐसा कोई पियानो ग्रे कलर का कोई मटेरियल अच्छा सा ज़रा प्रीमियम यूज़ किया गया, इसमें सिंपल सा वाइट
इसको वाइट कह लें आप या ऑफ वाइट कह लें, जो आपको कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। मटेरियल यूज़ किया गया लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है और कहीं से आपको क्रोम नहीं मिलता, कोई आपको गियर लेवल के साथ, कोई आपको ये सर्कुलर आपके जो एसी के वेंट्स हैं इसके साथ भी नहीं मिलता। एल वेरिएंट में मीटर की बात कर लेते हैं, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आप लोगों को सेम डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा, सिमेट्री सेम मिलेगी, प्लेसिंग भी सेम मिलेगी, लेकिन इनके कलर डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इसमें जो सिंपल जो आपको एल वेरिएंट है, इसमें आपको कोई भी आप लोगों को क्रोम नहीं मिलता। आपकी इसकी जो नोज, जो सुइयां जिन्हें आप कहते हैं, जो गेजेस जो होते हैं इसमें, वो आप लोगों को क्रोम में नहीं मिलते। एन वैगन कस्टम के मीटर की बात कर लें, जैसा कि मैंने आप लोगों को एल वेरिएंट में बताया कि सिमेट्री सेम है, डिज़ाइन भी सेम है, TFTs भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो एन वैगन कस्टम है उसमें आपको देख सकते हैं डायल के ऊपर भी क्रोम यूज़ किया गया है और इसका कलर डिफरेंस है। उसमें आप लोगों को आपके देख सक जो था वाइट कलर का या ऑफ वाइट कलर का आप लोगों को बैकग्राउंड मिलता है, इसमें आपको पर्पल बैकग्राउंड मिलता है, पर्पल और ब्लैक का बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। ये गाड़ी जो टॉप ऑफ द लाइन है ऑल ब्लैक के साथ आती है, टोटल ब्लैक इसमें मिलता है आप लोगों को। इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंजन में इसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलता, दोनों अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों को मिलते हैं, 660 सीसी है, 58 हॉर्स पावर के साथ आप लोगों को मिलते हैं, सेम टू सेम है, साइज़ भी सेम है, इवन के प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एवरेज की बात कर लेते हैं तो एवरेज भी डिफरेंस नहीं है, एवरेज भी सेम ही मिलती है आप लोगों को, और इसमें कोई टर्बो शर्बो नहीं है, सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड आप लोगों को इंजन मिलता है। पार्ट्स की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं, जो एक्सटीरियर के पार्ट्स हैं ना दोस्तों, जो आपका एल वेरिएंट है उसमें आप लोगों को थोड़े ज़रा सस्ते मिल जाते हैं ज़्यादातर, जिसमें बम्पर हो गया, क्योंकि बम्पर में इस तरह का क्रोम वगैरह इस तरह का इस्तेमाल नहीं है, और शेप भी हल्की है, यानी कि इसकी लाइट की जो शेप है वो भी डिफरेंट है और इसका साइज़ भी डिफरेंट है। और इसमें जो कस्टम वाली है उसमें आप लोगों को LEDs यूज़ की गई, क्रोम यूज़ की गई है, और इसलिए उसकी ज़रा प्राइस थोड़ी सी महंगी होती है। तो जो बेस वेरिएंट है उसकी पार्ट्स की प्राइस भी सस्ती है, और जो टॉप ऑफ द लाइन है कस्टम, उसकी पार्ट्स की प्राइस भी थोड़ी सी ज़रा महंगी है। मेजर डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे बता दिए, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी जितने भी आ सकते हैं, बेस से लेके टॉप ऑफ द लाइन तक जितने भी थे। अब थोड़ी ज़रा प्राइस के डिफरेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्राइस का डिफरेंस जो है, आजकल जो मार्केट चल रही है, जो बेस वेरिएंट आप लोगों को कॉस्ट करता है ना दोस्तों, अच्छी हालत में अच्छे तरीके से जो मेंटेन हुई हुई गाड़ी होती है, जिसमें ज़्यादा कोई पंगे शंगे नहीं होते, वो आपको 2.5 मिलियन से 2.7 मिलियन तक आप लोगों को कॉस्ट करता है। जो बेस वेरिएंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे लेफ्ट साइड पर खड़ा हुआ है, जो मेरे राइट साइड पे कस्टम खड़ी है टॉप ऑफ द लाइन, ये आपको 3 मिलियन प्लस में भी गाड़ी चली जाती है अगर अच्छी हालत में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं मिलती आप लोगों को। मेजर डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे बता दिए, तो प्राइस का डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये गाड़ी हम लोगों ने ये वीडियो हम लोगों ने कंपैरिजन के लिए दोस्तों फर्स्ट टाइम की थी, तो अगर कोई गलती हो गई तो उसको ज़रा माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चाहते हैं कि इस तरह की और कंपैरिजन वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आएँ तो कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने एन वैगन कस्टम लेनी है उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इसी तरह की। अल्लाह हाफिज़।